नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में वीडियो गेम ग्लू व्हेल खेलने के बाद एक छात्र ने स्कूल की बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। महाराष्ट्र में इसी तरह का एक मामला सामने आया। वीडियो गेम बच्चों को सुसाइड करने के लिए उकसा रहा है। कुछ इसी तरह देश भर में चुटिया काटने की खबरों के नाम पर दहशत फैलाई जा रही है। क्या वाकई में चोटी कोई अदृश्य शक्ति काट रही है, या फिर मन्नत के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर कुछ लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? विज्ञान और विश्वास के इस खेल में अंधविश्वास हावी हो रहा है। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष, विश्वास का मायाजाल। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहीं आपका बच्चा तो घंटों मोबाइल पर नहीं खेलता वीडियो गेम? कहीं आपका बच्चा तो नहीं रहने लगा उदास? कहीं किसी ऊंची बिल्डिंग से तो नहीं करता कूदने की कोशिश? कहीं वो आपसे कुछ छिपा तो नहीं रहा? कहीं उसने सुसाइड करने की योजना तो नहीं बना ली? अगर ऐसा कुछ है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि वीडियो गेम का एक गेम आपके बच्चों की ले रहा है जान। इंदौर के एक निजी स्कूल में सातवीं के एक छात्र ने तीसरी मंजिल की बालकनी से छलांग लगाकर जान देने की कोशिश की। इसके पीछे सुसाइड गेम ब्लू व्हेल का नाम सामने आया है। छात्र ने बताया कि वह पिता के मोबाइल से गेम खेलता था। गेम की आखिरी स्टेज पार करने के लिए ऊंची इमारत से छलांग लगाने का विकल्प मिला था। इसके बारे में उसने एक दिन पहले ही इंटरनेट पर सर्च किया था। गेम के नियमों के मुताबिक अंतिम स्टेज पार करने के लिए उसे आत्महत्या करनी थी। वह सुबह ही इसकी योजना बना चुका था। पहले वैन से कूदना चाहता था, लेकिन गेम में ऊंची इमारत पर चढ़कर कूदने का नियम है। बच्चा गेम की सभी स्टेज स्कूल डायरी में नोट कर लेता था। उसने 49 स्टेज पार कर ली थी। 50वीं स्टेज के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चला कि 50वीं स्टेज में ऊंची इमारत से कूदना है। पुलिस के मुताबिक ठीक इसी वक्त महाराष्ट्र के सोलापुर में भी 14 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या की कोशिश की। इस तरह की टेक्नोलॉजी से जहां बच्चों को सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वहीं इन दिनों महिलाओं की चोटी काटने की खबरें भी मीडिया की सुर्खियां बन रही हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सहित देश भर में कई खबरें सामने आई, तो कहीं दावा किया गया इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है, तो किसी ने दावा किया है इसके पीछे मैकी नाम का कीड़ा है जो बालों को खा रहा है। अंधविश्वास और टेक्नोलॉजी का ये खेल इन दिनों हावी है। देश में इस समय अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, कहीं चोटी कटवा के नाम पर तो कहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर। इससे पहले भी खबरें आती रही हैं, कहीं मुंह नुचवा के नाम से लोगों के दिलों में दहशत पैदा की गई, तो कहीं उड़न तश्तरी के नाम पर। मीडिया के इस युग में गांव, शहर, फिर देश तक किसी खबर को फैलने में चंद मिनट ही लगते हैं। अगर इन महिलाओं की बात सच भी मान लें, तो चोटी कटवा एक ही रात में सैकड़ों जगह पर कैसे मौजूद रह सकता है, और एक गेम किसी बच्चे को आत्महत्या करने पर कैसे मजबूर कर सकता है? लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, ये आज देश भर में सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो आपने देखा ये किस तरह का मायाजाल है। एक तरफ इस दौर में जब विज्ञान इतनी प्रगति पर है, तो उसी विज्ञान से एक वीडियो गेम बच्चों की जान ले रहा है, बच्चों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहा है, और उसे खेलने वाला हर वो शख्स अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, इसलिए कि उसे अंतिम पड़ाव आत्महत्या करके ही मिलेगा। लेकिन ये भी किस तरह से है, ये कैसा सम्मोहन है, और ये कैसी धुन है कि एक खेल के पीछे लोग इतने दीवाने हैं और उसके कई नियम, तरह तरह के नियम ढूंढ रहे हैं। एक स्टेज, दूसरी स्टेज, और फिर लगातार स्टेज, और फिर अंतिम स्टेज। ये क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? ये किसी खुरापाती दिमाग की उपज है, लेकिन उसकी उपज कितनी डरावनी, कितनी भयावह है कि जो लोग ठीक से सोच समझ नहीं सकते या किसी अवसाद में हैं,
वो कहाँ पहुँच सकते हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। एक तरफ विज्ञान का ये इतना खतरनाक रूप, दूसरी तरफ अंधविश्वास, एक ऐसा अंधविश्वास जिसकी आग पूरे देश में लगी हुई है। किसी महिला को लगता है कि उसकी किसी ने सोते समय चोटी काट दी। चोटी महिला की एक तरह से शान होती है, उसके पीछे महिला बड़े जतन से उसे संवार कर रखती है, सुहाग की निशानी भी होती है। लेकिन अचानक सुबह जब वो सोकर उठती है तो उसे अपनी कटी हुई चोटी दिखती है और फिर उस चोटी के साथ कई तरह की चर्चाएं। आखिर ये कौन सी मनःस्थिति है, क्या हो रहा है कि एक महिला जिसके कमरे में कोई आया नहीं, या कभी कभी उसे ये आभास होता है कि उसके कमरे में कोई आया था और वो उसकी चोटी काट कर चला गया, ये कौन सी अवस्था है, ये क्या सोच है। और उत्तर प्रदेश के एक शहर से या एक कस्बे से शुरू हुई ये चीज़ देश में कई जगह सुनने को मिल रही है। ऐसा कौन सा चोटी कटवा है जो हर जगह पहुंच रहा है, ये कौन सी मानसिक स्थिति है, क्या मनोविज्ञान काम करता है इसके पीछे, ये भी बहुत चिंता का विषय है। आज आधुनिक युग में जहाँ हम 21वीं सदी की बात करते हैं, ऐसे दौर में हमारी चोटी किसी ने काट ली, हम इसके बारे में सोचते हैं और फिर उसमें कई तरह के टोटके भी करते हैं, नींबू लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं और कई तरह की चीज़ें हम करते हैं। ये आखिर कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। चलिए इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राघवेंद्र सिंह, बाल आयोग के अध्यक्ष हैं, और रविंद्र जैन, न्यूज़ वर्ल्ड के स्टेट हेड हैं, मेरे सहयोगी हैं शिव अनुराग पटेरिया जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक समीक्षक भी हैं, विषय के जानकार भी हैं। अंशु गुप्ता समाजसेवी हैं और प्रबल राय साइंस सेंटर के हेड हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रबला जी, आपसे ही समझते हैं, दोनों चीज़ें हैं इसीलिए हमने इन विषय को चुना है। एक तरफ विज्ञान पर इतना विश्वास कि इस हद तक जाकर कोई अपनी जान देने को तैयार है, और दूसरी तरफ ऐसा अंधविश्वास कि चोटी कट रही है और चोटी पे तरह तरह के टोटके हो रहे हैं और चोटियां कटती ही जा रही है, है क्या आखिर। मुझे लगता है कि जितना अंधविश्वास और जितनी ऐसी तरह तरह का घटनाएं आज का समाज में हमें देखने को मिलता है, इसका एक ही रीज़न मुझे लगता है कि ये लैक ऑफ लिटरेसी, शिक्षा का कमी, और दूर दूर तक ये हमारा लास्ट रंग तक समाज की, सोसाइटी की शेष हिस्से पर तक अगर हमारे शिक्षा कमी रह जाए तो उसका परिणाम स्वरूप आप ऐसा ही अंधविश्वास या सुपरस्टिशंस हमारा समाज में दिखा जाता है। हालांकि ये भी दिखा गया है कि जहाँ तक भारतवर्ष की सवाल है, कुछ शिक्षित लोगों में भी वैसे तरह तरह का सुपरस्टिशियस बिलीफ जो नहीं होना चाहिए, जिसमें विज्ञान की कुछ भी तथ्य या आधार नहीं है, ऐसा हमारे समाज में सालों से चलते रहा है। तो यही है एक रीज़न मैं बता सकता हूँ। बिल्कुल, इसको कैसे देखते हैं आप, ये जो चोटी, अगर इसको और व्याख्या करके बताएं, क्या देखते हैं, क्या मानते हैं आप, अंधविश्वास है और क्यों इस तरह का अंधविश्वास पनपा? ये तो बिल्कुल अंधविश्वास ही है, इसमें कोई भी ये नहीं। कुछ विशेष सर्कल्स होते हैं, कुछ मतलब इसका पीछे कुछ मतलब मैलिशियस पर्पस रहेंगे किसी लोगों का, वो ऐसा काम करते हैं, ऐसा बिलीफ समाज में फैलाते हैं। आजकल सोशल मीडिया में भी कुछ ऐसा वायरल जो है वो बनाया जाता है और उसको फैलाना का एक काम मतलब बड़े शोर शरा से चलते आ रहे हैं। तो इसका बस वही एक पर्पस हम बता सकते हैं, इसमें कोई भी वैज्ञानिक तत्व नहीं है, वैज्ञानिक आधार नहीं है, और बस अल्टीमेटली फिर ये छोटी कैसे कटती है, हाथ में लिए लिए दिखाते हैं लोग तरह तरह से, ये कैसे कटी, ये जस्ट हमने ऐसे ही सुना है और न्यूज़ में भी पढ़ा है, और बस इसका तो हमें तो ना कुछ
मतलब व्याख्या इससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक अनुमान क्या लगाया जाता है। ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, एक महिला है, बाल खुले हैं, चोटी कटी है, कई तरह की चोटियां कटी हुई पड़ी है, ये क्या है क्या आगे इसका? तो देखिए विज्ञान जहाँ पर है और जहाँ तक मतलब जो कॉमन सेंस है, लॉजिक है, इससे ये हम व्याख्या नहीं कर सकते। एक कीड़ा भी, एक कोई कीड़ा भी बताया जाता है जो इस तरह से बाल काट सकता है। नहीं, ये तो संभव नहीं है। और ये तो किसी का मतलब, ये मैं बताऊं कि किसी का ये कोई काम ही होगा और मनुष्यों का ही काम होगा। मैं आऊँगा अशोक पटेरिया जी आपके पास। तो एक तरफ प्रबल राय अंधविश्वास की ये पराकाष्ठा है और दूसरी तरफ विज्ञान को लेकर दूसरी पराकाष्ठा, जिसकी हम हमारी स्टोरी का वो भी हिस्सा है हमारी खबर का, कि एक वीडियो गेम खेलते खेलते कोई आत्महत्या तक पहुंच जाता है, ये क्या है? प्रबल राय आपसे पूछ रहा था। ये भी वही है, मतलब ये जो हमारे जो यंग जनरेशन्स हैं, इनका जो नॉर्मली ये क्या होते हैं, थोड़ा भावुक होते हैं, थोड़ा सा इनका भोलेपन रहते हैं, तो इनको किसी भी चीज़ों में एडिक्ट करके कोई डाइवर्ट कर देना या इसको मैं बताऊं कि इसको मिसगाइड करना, यही मेन अल्टीमेटली इसका पर्पस रहते हैं। तो एज ए पेरेंट्स, एज ए सोसाइटी, एज ए सोसाइटल गार्डन, हमें ये बच्चे को केवल यही बताना है कि ये जो गेम्स जो गेम तक ही सीमित रहने दीजिए, इसका परिणाम मतलब इसको आप मतलब जो रियल लाइफ में ना लीजिए, इसका रियल लाइफ और ये जो फिल्म लाइफ है, इसको, और ये जो इसको गेम्स, नशे, इसके नशे की तरह उपयोग, नशे की तरह इसका उपयोग हो रहा है। और नेचुरली जो मैंने पहले ही बताया कि जो कमल जो मानसिकता होती है जो यंग जनरेशन में, किड्स में, तो उसी का ये टारगेट किया जाता है। सो नेचुरली हमारे एक दायित्व बनता है कि ऐसा हमारे सामने, हमारे समाज में अपना किड्स, अपने बच्चे को थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ा सा उसको बताएं कि भाई विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग, क्या किस में आप एडिक्ट हो सकते हैं, इससे सावधान रहना है। और हमें भी एक ऑब्जर्वेशन और हमारा भी एक विजिलेंट आई होना चाहिए उसके ऊपर, जब तक ये एडल्ट नहीं हो जाते हैं, जब तक ये मतलब अपना डिसीशंस नहीं ले सकता, या अपना जो विच इज़ मतलब मैं बताया जो वो अपना विचार वो जब तक उसका पक्के नहीं हो जाते हैं, तब तक एक पेरेंटल और ये अपना टीचर्स की, हमारे समाज की भी एक दायित्व उस पर रहती है। बिल्कुल। शिवानंद पटेल आप कुछ कह रहे थे। दीवान साहब, मैं दो बातें, और है मास हिस्टीरिया में व्यक्ति के बाद तर्क से परे हो जाता है, और दूसरा इस मास हिस्टीरिया के दौर में कुछ लोग कौतुक और मनोरंजन के लिए सारे खेल कर रहते हैं, ये हिस्टीरिया का एक दौर होता है। गाजियाबाद के पास में एक चाची और भतीजे पकड़े गए पिछले दिन, 10 से 15 दिन पहले की बात है या 8 दिन पहले की बात है। चाची और भतीजे ने एक कौतुक खड़ा करने के लिए कि लोग मीडिया आएगा, लोग सवाल करेंगे, तो भतीजे ने चाची की चोटी काट दी। ये तार्किक रूप से मैं आपसे कहना चाहूँगा। दूसरा, कई बार सारी दिक्कतें यूँ होती हैं कि जब एक करता है तो दूसरा क्यों नहीं करता है। कई बार अलौकिक रूप से कहा जाता है कि अगर आप सच देखते हैं तो आप उछल तारे को देख सकते हैं, अगर आप सच्चे व्यक्ति हैं तो हर व्यक्ति सच्चा व्यक्ति सच्चा हो जाता है। हम भारतीयों की आदत बहुत, ये हम हिंदुस्तानियों की आदत है, सबसे बड़ी बात है, हम दूसरे से अपने आप को उस दौड़ में पीछे कमतर नहीं मान सकते, बिल्कुल नहीं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और इसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड, आपने कई बार देखा होगा थालियां चलती थी एक जमाने, आज 30-40 साल पहले खटिया चलती थी, कई बार कहते थे लालटेन चलती है, आप हाथ रखिएगा अगर सच होंगे तो चलेगी, कई बार देवी के थापे लगते थे और कई बार गणेश जी दूध पीते थे जी, और कई बार आसमान पर हम देखते हैं वो एक पालकी सी चली जा रही है जी। और इसके पीछे कुछ तर्क होते थे, जब गणेश जी दूध पीते हैं ये सरफेस टेंशन का मामला था, लेकिन हम तर्क अलग तरीके से देते हैं, हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी बात है तर्क से परे चीजें ज्यादा देखते हैं। और दूसरा, जहाँ तक ब्लू व्हेल गेम का मामला है, ये बहुत ही खतरनाक, एक अकेला गेम नहीं है, ये कम से कम 5 से 7 गेम ऐसे हैं जैसे पोकेमोन भी इसमें है, कई लोग मारे गए हैं। दरअसल लोग हमेशा नई चीज़ों को ट्राई करते हैं, आज बच्चों में और पेरेंट्स में बड़ा गैप, ह्यूज गैप हो गया है, बच्चे भी मोबाइल में खोए हुए हैं और पेरेंट्स में भी मोबाइल में खोए हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है बच्चों के प्रति जो लगाव, जो सद्भाव, जो उनके साथ संवाद आपका होना चाहिए था, वो सद्भाव नहीं रहा। आप उन्हें पैसा देते हैं, आप उन्हें फीड करते हैं, लेकिन वास्तव में उनके साथ आपका जो इमोशनल बॉन्ड होना चाहिए, कोई बच्चा तब तक सुसाइड नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता है जब तक उसे लगता है उसके पीछे कोई है।
जिस दिन उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया समाप्त होगी, उसके पीछे कोई नहीं है, तभी वो आत्महत्या करता है। दिल्ली में अभी एक बिहार के डीएम की सुसाइड की खबर आ रही थी, उसमें जो सुसाइड नोट का जो पहले हिस्से थे कि उनका दुनिया खत्म हो गई है। देख जिस दिन व्यक्ति को लगता है आत्महत्या, वो तभी करता है। अवसाद का जो भाव है, अवसाद की अंतिम परिणति है कि अब मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। जिस दिन व्यक्ति को लगता है मेरा कोई है, व्यक्ति टिका रहता है, रुका रहता है, लड़ता रहता है। मुझे लगता है सामाजिक मूल्यों का जो ह्रास है वो दोनों कारणों के लिए जवाबदेह है, और मुझे लगता है इसमें परिवारों को, सामाजिक संस्थाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे शिक्षा शास्त्रियों को, लोगों को परिवार से जोड़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। और जब तक ऐसा नहीं होता है तो आज चोटी कटवा है, कल मंकी मैन हो जाएगा, अगले दिन कुछ नाखून काटने वाला हो जाएगा, ब्लू वेल की जगह पोकेमॉन हो जाएगा, कुछ और गेम हो जाएगा। हुजूर, कम से कम लोगों को ट्रेंड करिएगा, आपातकाल में विपत्तियों से लड़ने के लिए उनको प्रेरित करिएगा, और आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर एक हेल्दी सोसाइटी की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ राघवेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं, बाल आयोग के अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश सरकार के। राघवेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अंशु गुप्ता, महिलाओं की चोटी कट रही है, चलिए ये गनीमत है कि आप खोल के आई हैं बाल, नहीं तो लोगों ने तो छुपा के रखे हैं, और वो जिस तरह से छुपा रहे हैं और टोटके हैं, हम तो ये तक देख रहे हैं कि उसमें नींबू बंधा हुआ है, मिर्ची बंधी हुई है, और कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा बांध लिया है, और बड़ा ऐसा दृश्य देखने मिलता है, उस पर हंसी भी आती है और साथ साथ इस बात की चिंता भी होती है कि हम इस युग में भी किस तरह की बातों पर भरोसा करते हैं और हम क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं, और होड़ सी मची हुई है सबकी अपनी अपनी चोटी कटवाने की। ये क्या है, क्या आपने कुछ इसके बारे में समझा, महिलाओं से कुछ बातचीत की, क्या महिलाओं की मना स्थिति है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो इस तरह की अफवाहें जो फैलती हैं वो सही में हमारे समाज में जिस तरह की ये चीज़ों को एडॉप्ट जो कर लेते हैं, जैसे चोटी काटने का एक कभी ये प्रसंग चल रहा है, कभी गणेश जी दूध पीते हैं, और बच्चे जिस तरह से अपनी जान पे खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही भयावह होती हैं हमारी सोसाइटी के लिए। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अवेयर तो होना ही होगा। अशिक्षा की कमी है, जहाँ साइंस ख़त्म होती है वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं, और कहीं ना कहीं धर्म का एक आवरण होता है। आप ये देखिए कि इस तरह की चीज़ें फैलती हैं, फिर वो धर्म जो गुरु हैं वो अपनी बात कहते हैं, और तांत्रिक अपनी चीज़ें चलाते हैं, तो ऐसी दुकानें भी चलने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का भी हाथ होता है इन सब चीज़ों के पीछे, कि एक वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं दहशत में आएगा, वो पूजा पाठ करवाएगा, तो कहीं जो ये वाले अधिकतर मेरा जो आंकलन है, आपने कहा ना कि लोगों से जो बात हुई, तो मेरा आंकलन ये है कि जिन दिनों ये शादी ब्याह तीज त्योहार कम रहते हैं उन्हीं दिनों ऐसी अफवाहें फैलती हैं। तो इस चीज़ को भी इस नज़रिए से हमें देखना होगा कि समाज में ऐसी चीज़ें कब फैलती हैं, क्यों फैलती हैं। तो ये हम सबका दायित्व है, जैसे सर ने कहा कि शिक्षाविदों का, हमारे पारिवारिक परिवेश का, हम सोशल एक्टिविस्ट का, इन सभी का, इवन प्रशासन का भी ये दायित्व है कि इन चीज़ों पर हम वॉच रखें, लोगों को समझाएं कि भाई इस तरह की, जो भी हमारे संपर्क में आए लोगों को बताएं कि भाई इस तरह की बातों में आप ध्यान ना दें। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा अशिक्षा का जो गैप है, इसको भी हमको समझना होगा कि किस वर्ग के साथ ये बहुत बड़ा रूमर फैल जाता है कि चोटी कट रही है, चोटी कट रही है, और तथ्य है ही नहीं कहीं। किसी की चोटी किसी और किसी परिप्रेक्ष्य में कटी होगी और वो उड़ा दी गई एकदम पूरे उसमें। तो ये सब चीज़ें बहुत ही हमारे लिए तो दुखदाई होती हैं, और एज ए सामाजिक कार्यकर्ता तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों में हम सब लोगों को इकट्ठे होके एक सम्मिलित रूप से आगे आना होगा, और उन चीज़ों को अब धीरे धीरे, तो मैंने कहा ना जैसे साइंस जहाँ ख़त्म होती है अंधविश्वास उस पर हावी हो जाता है। मेरा एक सवाल है आपसे, आपका एक महिलाओं का समूह है, आप एक एनजीओ भी संचालित करती हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उसमें, और जाहिर सी वजह से जैसे अभी शिवनराग पटेरिया कह रहे थे कि हम भारतीयों की आदत ही है कि हम बहुत ढेर सारी चीज़ों को, हमको नहीं पता या हमारा वो अनुभव नहीं है तो हम पिछड़ गए लोगों से, भले वो अंधविश्वास की बात ही क्यों ना हो। आप उन महिलाओं के बीच में भी रहती हैं जो अभी जात वर्ग की हैं, और उसके अलावा आप उन महिलाओं के लिए भी काम करती हैं जो बहुत गरीब हैं, तो क्या दोनों तरफ से क्या क्या सुनने मिल रहा है इस तरह की चीज़ों को? बहुत ईमानदारी से जानना चाहूँगा, इसलिए कि किसी का नाम लिए बिना आप कह सकती हैं, लेकिन किस तरह की बातें हैं, चिंता होती है उन पढ़ी लिखी महिलाओं में भी कि कहीं चोटी न कट जाए?
डेफिनेटली होती है। वही मैंने कहा ना कि शिक्षा अशिक्षा का अंतर हमको समझना होगा कि शिक्षित वर्ग जो है वो अंधविश्वास उसके ऊपर भी हावी है। तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि बहुत से आप पीएचडी होल्डर्स को देखिए पर वो अंधविश्वासी हैं, वो अपने शगुन सारे करते हैं, वो सारे अपनी औपचारिकताएं कि घर से निकलना है तो मुझे ये करना है। तो हमारी महिलाओं में भी ये चर्चा है, कुछ महिलाएं तो उसको हंसी में मजाक में ले रही हैं पर कुछ महिलाएं सीरियसली कि ऐसा है तो मैंने अब इतने दिन के व्रत रख लिए हैं और ऐसा नहीं होगा। मेरी एक काम वाली से बात चली थी तो उसने कहा कि दीदी मैंने तो पीले हल्दी के छापे लगा दिए घर के, वहाँ पे तो हमारे यहाँ तो कोई आने वाला नहीं है चोटी काटने, तो मैं तो निश्चिंत होके सो रही हूँ। तो इस तरह की बातें, तो दुख होता है कि छापे लगाने भर से क्या ऐसी बातें रुक जाती हैं, इन लोगों को क्यों नहीं, तो उनको समझाते हैं पर बहुत हद तक इनको डेफ तक इस चीजों को हमको करना होगा क्योंकि ये ऊपरी और फौरी तौर से जो हम सोचें कि हमने 2-3 दिन इनको बातें कह दी और ये समझ जाएंगे और इस मानसिकता से निकल के आ जाएंगे तो ये भी बहुत मुश्किल है। ये तो एक बहुत ही गरीब और पिछड़े तबके में ज्यादा प्रचलित चीजें हैं, ज्यादा चर्चित हैं, लेकिन जिस वर्ग से आप आती हैं उस वर्ग के बच्चों पर ये कौन सी लत लग गई है, इसकी चिंता होती है। डेफिनेटली, और ये करीब हमारे जो सिविल सोसाइटी है जहाँ हम कहते हैं कि हम बहुत कल्चर्ड लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है क्योंकि अब जो चीज़ें हो रही हैं वो ऐसे हो रही हैं कि पारिवारिक इंट्रैक्शन कम हो रहा है, माँ बाप बच्चे से वो बातें ही नहीं करते हैं तो बच्चा शेयर किससे करे, तो एक वर्चुअल दुनिया में वो जीने लगता है, वो सारी बातें कंप्यूटर से कहता है, वहीं वो समझने लगता है कि ये मेरा परम मित्र है, पूरे दिन मैं इसके साथ, क्योंकि मम्मी उनकी बातों को सुनने के लिए समय नहीं है, पापा के पास तो टाइम ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ अपनी दुनिया उसी में ढूंढने लगता है और वहीं उसके सवाल होते हैं, वहीं क्वेरीज होती हैं। बच्चा बिल्कुल मतलब परिपक्व होते नहीं, इनकी मानसिकता उस तरह की नहीं होती कि अच्छा बुरा समझे, कोमल मन होता है, तो वो सारी चीज़ वो सच समझने लगते हैं। माँ बाप पे टाइम नहीं है तो वो बच्चे की जानकारी उनको नहीं कि बच्चा किस दुनिया में जी रहा है, उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही है, वो किस तरह की बातें सोच रहा है। जब भयावह स्थिति इस तरह की हमारे समाज में आ जाती है तब फिर कुछ लोग चिंतित होते हैं, तब तक स्थिति बहुत हमारे हाथों से निकल जाती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी अपने अपने बच्चों को, तो डेफिनेटली बच्चों को समय दीजिए, अगर जिसको आप पृथ्वी पर लाए हैं, ज़मीन पर लाए हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे के साथ बहुत ही इंटरेक्टिव वे में आप रहिए। माओ का कर्तव्य है, सबसे ज़्यादा तो हम महिलाओं का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों से बिल्कुल बंधे हुए रहें, क्योंकि जहाँ हमारी थोड़ी सी भी हमारे हाथ से कमान छूट रही है वहीं बच्चा सोसाइटी में मिसशेप हो रहा है। तो ये सोसाइटी पूरी हमारे एक सोशल कल्चर को हमको समझना होगा और ये जो मिसशेप हो रहा है इस चीज़ को डिज़ाइन फिर से करना होगा कि पहले नानी दादी के साथ बच्चा रहता तो नानी की निगाह रहती थी, दादी की निगाह रहती कि बच्चा क्या कर रहा है, अब माँ पूरे दिन है ही नहीं और कुछ महिलाएँ तो कामों से जा रही हैं, कुछ महिलाएँ अपने फन मस्ती के लिए जा रही हैं, तो उन्हें बच्चों के लिए समय नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों को समय दीजिए, उनकी बातें समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, क्योंकि जो माँ आप ये भी देखिए ऐसा नहीं है, कंट्रास्ट है सोसाइटी में, जिन माओं का अपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन है वो बातें करती हैं, वो बच्चे हर बात शेयर करते हैं, तो अगर ऐसी बातें उनके मन में होती तो वो अपनी माँ को जरूर बताएंगे, माँ नया गेम आया इसमें ये है और इस तरह की स्टेजेस हैं, तो माँ डेफिनेटली अच्छा बुरा सब बताएगी और उसकी गतिविधि पे नजर रखेगी और कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। बिल्कुल, जब बच्चा समझेगा ही नहीं तो फिर क्या करेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। रविंद्र जी, हम लोगों ने जब इसको सुबह इस कार्यक्रम इस बारे में तय किया, कई मुद्दे थे, चीन भी था उसमें से एक, लेकिन हमको लगा कि हमारे अंदर जो एक युद्ध चल रहा है उससे पहले निपटा जाए, इसलिए इस विषय को हम लोगों ने चुना था। एक बच्चा हाथ में पूरी वेल धीरे 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 कट लगा के वेल बना लेता है, हम नहीं समझ पाते। एक महिला हाथ में चोटी लिए खड़ी है और वो यकीन से कहती है उसकी किसी ने चोटी काट दी। इस तरह की मानसिक स्थिति को ना हम झुठला सकते हैं और सच को हम, ये सच नहीं है, ये भी हम हमारी मजबूरी है कि हम ये माने कि ये सच नहीं है, लेकिन लोग इसको समझने को तैयार नहीं। लेकिन इजमान भाई बताऊं कि मैंने अभी गूगल पर जाकर इस बात को देखा था कि इस गेम के कारण से पूरी दुनिया में 300 से ज़्यादा बच्चे इस समय सुसाइड कर चुके हैं, यानी आप सोचिए इसकी भयावहता कितनी गंभीर है कि 300 वो बच्चे जिन्हें माँ बाप इस दुनिया में लाए थे और वे असमय यहाँ से चले गए,
काल कल्पित हो गए हैं, तो इसे उतनी ही गंभीरता से भारत सरकार को लेना चाहिए और जो हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है ये 100% जितनी जल्दी हो इसे बैन किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी स्कूल हैं जो बच्चों जहां बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वहां एक जागरूकता के कैंप लगने चाहिए तत्काल प्रभाव से, ताकि इस गेम के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। भारत सरकार को इस संबंध में यदि विज्ञापन भी देने की ज़रूरत हो, यदि किसी तरह के भी जो जागरूकता के जितने भी प्रकार हैं उसमें आना चाहिए भारत सरकार को, और जन जन तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि ये कितना खतरनाक है, कितने लोगों को ये जान ले चुका है। दूसरा सब्जेक्ट जो हमारा चोटी काटने को लेकर है, मैं एक सवाल पूछता हूँ रिजवान भाई आपसे ही पूछता हूँ, जितनी भी अभी चोटी काटने की घटनाएं पूरे देश भर में हुई हैं वो कहीं भी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है कि जो शहर में हुई हो, जहाँ हो जो अभिजात वर्ग में हुई है, ज़्यादातर घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में हुई हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ हुई हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शिक्षा अशिक्षा का ये मामला है, अशिक्षित लोग हैं, कुछ हो सकता है एक आध दो घटना ऐसी हुई हो लेकिन बाद में लोगों ने बदला लेने के लिए कभी किसी ने काट दिया, किसी ने डरा दिया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं ये चोटी काटने को लेकर हो रही हैं। यदि कोई भूत है, यदि कोई शक्ति है, तो वो शक्ति केवल ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों है, वो शहरी क्षेत्रों में क्यों नहीं है, कहीं बड़े शहर में किसी ऐसे बड़े परिवार में जहाँ शिक्षा का पर्याप्त मतलब शिक्षित है वहाँ ऐसी घटनाएँ नहीं हो रही हैं। तो मुझे लगता है जैसा अभी पटेलिया जी ने बताया है कि ये मन स्थिति है और कहीं ना कहीं मन स्थिति के कारण ही हमें ये सब चीज़ दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमें जागरूकता की आवश्यकता है। यदि इस तरह के भी कैंप लगाए जाएँ, सामाजिक कार्यकर्ता यदि जाएँ और जागरूकता वहाँ जन जागरण का अभियान चलाएं तो निश्चित तौर पर इन घटनाओं पर हम काबू पा सकते हैं। राकेश सिंह, आपसे बहुत ढेर सारी अपेक्षाएं होंगी, इसलिए कि अगर कोई महिला अशिक्षित है, उसके बचपन से उसके मन में कोई बात घर करती है और वो उस उम्र में भी आकर वो उसको लगता है कोई उसकी चोटी काट रहा है, और बच्चे तो इतने ख़तरनाक ढंग से जिस तरह से वो गेम खेल रहे हैं और उसमें जान देने को आमादा है, ये दोनों चीज़ें हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आप, क्या कुछ करना चाहिए, आपसे ढेर सारी उम्मीद है। मैं इन दोनों चीज़ों को एक ही तरह से देखता हूँ जी। एक हमारे सामने प्रश्न है कि ऐसे अबोध बच्चे जो अपना भला बुरा नहीं समझते, हमने एक ऐसा गेम उसके सामने, दुनिया ने उसके सामने रख दिया कि वो उसमें इतना तल्लीन हो गया कि अपना भला बुरा ना समझते हुए वो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं यह भी एक जागरूकता का अभाव है। दूसरा, आप जो विषय अभी छिड़ रहे हैं चोटी काटने वाला, मैं मानता हूँ यह भी उसी तरह का है। मैं इसमें आपकी भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखता हूँ। दोनों विषयों में आप जानते हैं, आप जिस तरह के चैनल पर चलते चलाते हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी भी सेल को आप कितना भी बढ़ा सकते हो, तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि हमारी ये भूमिका होना चाहिए दोनों विषयों में कि हम समाज को कितनी जल्दी जागरूक कर सकें। हम एक छोटी सी घटना, चोटी काटने वाली घटना, एक जगह हुई, दो जगह हुई, पांच जगह हुई और इतनी जगह से वो वायरल हुई है कि ऐसा लगता है कि पूरे समाज में वही चल रहा हो सब कुछ। मुझे लगता है हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि इस तरह की घटनाओं को हम कैसे उसका मिनिमाइज कर सकें। दूसरा जो सारा विषय बच्चों के बीच में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और मैं पटेरिया जी का विषय हो या जो दीदी ने भी विषय रखा ये हैं, मैं इसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि परिवार के पास बच्चों को देने के लिए समय नहीं है। मैं बच्चों की समस्याओं को सामान्यतः दो रूप में देखता हूँ। एक वो समाज है जो आर्थिक अभाव में जीवन यापन करता है, उनकी अपनी तरह की समस्याएँ हैं, उनके अपने तरह की एक चीज़ों को फेस करते हैं। दूसरी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है जिस हम गेम की बात कर रहे हैं, जो आर्थिक प्रभाव में जीवन जीता है। तो हमें दोनों तरह से विचार करना पड़ेगा। मैं कई बार बोलता हूं कि आर्थिक अभाव वाली जो चीज़ें हैं वो हम किसी अच्छी योजना, अच्छी व्यवस्था के द्वारा रोक भी सकते हैं, लेकिन प्रभाव के कारण जो चीज़ें खड़ी हो रही हैं, जो हमने स्वयं खड़ी की हैं, जैसे अभी आपने बोला, जैसे आपने कि हम बच्चों को समय नहीं दे रहे, हमें माँ बाप के पास समय नहीं है, दोनों के पास समय नहीं है, तो हम अगर दोनों के पास बच्चों के लिए समय नहीं है तो हमने किसके लिए समय बचा के रखा, यह हमें सोचना पड़ेगा। मैंने पिछले एक वर्ष में करीब करीब 2,00,000 बच्चों से बात की है। मैं 2,00,000 बच्चों से बात करने का इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि अगर कोई समस्याओं का कारण है तो एकमात्र यही है कि परिवार में और बच्चों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूँगा। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो पर एक मैसेज देख रहा था मोबाइल पर, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो स्कूल से आता है और स्कूल की अपनी बात अपनी माँ को बताना चाहता है, वो माँ के पास पास में चक्कर लगाता है लेकिन माँ को सुनने के लिए फुर्सत नहीं है क्योंकि माँ बहुत महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है। वो काम यह है कि वो कहानी घर घर की टीवी पर देख रही है, उसको अपने घर की कहानी से कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चा 2-4 मिनट कुछ बोलने की कोशिश करता है, बाद में अपने काम में लग जाता है। और वो बच्चा फिर उसका दूसरा पार्ट दिखाते हैं, बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा ऑफिस से आया,
ये जो माँ है ये बूढ़ी हो गई है, बोझ से कुछ कहना चाहती है, बच्चे के चक्कर लगाए लेकिन बच्चे के पास सुनने के लिए समय नहीं है। आगे कहता है स्थिति आपने ही तो पैदा की है। तो वास्तव में दोनों चीज़ें हमारे सामने खड़ी हैं और हम समझते हुए भी अगर इससे अनजान होंगे, और वो लोग ज़्यादा अनजान हैं जो पढ़े लिखे हैं उसके प्रभाव दुष्प्रभाव को जानते हैं। बिल्कुल प्रबल राय, आपके पास आऊँगा। सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं, साइंस के माध्यम से इसे कैसे समझा सकते हैं हम लोगों को, क्या संदेश देना चाहिए लोगों के बीच में, क्या संदेश जाना चाहिए। और जाहिर सी बात है शिव अनुराग जी और आपसे और रविंद्र जैन जी आपसे भी, मैं इसमें मीडिया की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है उस पर भी अंतिम में मैं उस पर आप लोगों से उस पर भी बात करूँगा, इसलिए कि हम खबर किसी एक खबर को सुना और हमने बिल्कुल वैसा ही परोस दिया, फिर हमने किसी एक्सपर्ट का कोई कमेंट नहीं लिया, कुछ नहीं किया और हमने भी इसको बहुत हद तक आगे बढ़ाया है, तो उस पर भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन प्रबल राय जी आपसे समझना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं फिर से आपका ये जो चैनल है और ये प्रोग्राम है इसको धन्यवाद देना चाहूँगा, इसीलिए ताकि ये जो इश्यूज़ है समाज की, जो रियल इश्यूज़ है, आजकल केवल कमर्शियल्स का साइड में देखने से ही नहीं चलेगा, ये सामाजिक दायित्व का रूप से भी आप जो इसको ले रहे हैं इसके लिए आप धन्यवाद की पात्र हैं। जहाँ तक आपने कहा कि विज्ञान कैसे इसको रोक सकता है या कुछ कर सकता है या नहीं, मैं विज्ञान केंद्र से आ रहा हूँ और रीजनल साइंस सेंटर इस इश्यूज़ को शुरू से ही मतलब स्पेशल रूप से इसको देते हैं और इसको महत्व देते हैं, इसीलिए ना केवल हम विज्ञान केंद्र में बल्कि गांव-गांव तक जाके भी हमारे जो मोबाइल साइंस एग्जीबिशंस रमनशील विज्ञान प्रदर्शनी का द्वारा हमारे जो स्टाफ्स है और टीम मेंबर्स है वो लोग जाते हैं और वहां पर जाके वैज्ञानिक मतलब प्रदर्शो और ये एक्सपेरिमेंटेशंस डेमोन्स्ट्रेशंस ये सब करते हैं। हमारे तो ये जो समाज की अंधश्रद्धा अंधविश्वास ये दूर करने के लिए एक विशेष प्रोग्राम ही है कि साइंस वर्सेस मिराकल्स, जो कि हम बच्चे समाज और कॉमन पब्लिक का सामने वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि समाज में जो बहुत सारे ढोंगी बाबार्स है, ज़्यादातर जैसे कि हमारे सर ने अभी कहा कि ये जो विशेष का कारण ये है कि अशिक्षा और ये सारी चीज़ ज़्यादातर वो गांव-गांव तक दूर दराज में ही होता है, शहर में और जहाँ पे एजुकेशन और लिटरेसी की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे नहीं दिखाता है। तो दैट मीन्स हमारे कुछ दायित्व तो बनता है कि उस दूर दराज गाँव पर ये मतलब जो पिछड़े हुए जगह है, जो पिछड़े हुए इलाका है, वहाँ पर जाके ये चीज़ को, इशू को, इसको हम एड्रेस करें। और वहाँ हम कर रहे हैं, सदा नियत तो कर रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त तो नहीं है। एक साइंस सेंटर विज्ञान केंद्र साल में हम 12 महीने के अंदर में केवल 6 महीना ही ये प्रोग्राम कर पाते हैं। मुझे लगता है कि 12 महीना ये प्रोग्राम करना चाहिए और बहुत सारे ऐसा स्कीम्स आना चाहिए सामने सरकार। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? लोगों को ऐसे ही कहना चाहेंगे कि आप जरा इस मतलब जो रियलिस्टिक जो वर्ल्ड है जो उसको सुनिए, जो एजुकेटेड पर्सन्स है, जो सरकार जो इसका जो बीच बीच में नारा लगाता है उसका, सरकार ये स्कीम्स बताते हैं उन पर जाइए, जो कॉमन पब्लिक्स है, जो कलेक्टर्स ऑफिस है उन पर जाइए। आपको मन में अगर कुछ ऐसा शंका हो, ऐसा कुछ घटना घट रही है, उसको आप मतलब प्रकाश में लाइए और तभी जाके आप भी एक्चुअली उसका पीछे का जो महत्व और उसका पीछे जो क्या रियलिटी है वो भी आप भी समझ पाएंगे और जन जनता को उसमें मैसेज भी दे पाएंगे। अदरवाइज ये चीज़ ऐसे ही चलते रहेंगे। दूसरी बात है ये रिलीजियन और अपना जो अंधविश्वास, इससे थोड़ा हटके हमें सोचना चाहिए। ये रिलीजियन कुछ कुछ ऐसे अंधश्रद्धा अंधविश्वास हमारे कुछ रिलीजियन का साथ भी जोड़ दिए हैं, सरकार इसका बहुत सालों से कोशिश भी कर रहे हैं, तो उसी फैक्टर के लिए ये कुछ कुछ चीज़ों में उसको पिछुपा होने पड़ रहा है। 2007 में एक मतलब एक प्रोफेशनल्स इंस्टीट्यूशंस द्वारा एक हमारे देश में ही एक सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया कि 67% मतलब पब्लिक में ये अंधश्रद्धा अंधविश्वास अभी तक भी है, वो लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ में विश्वास रखते हैं। सो आप मान रहे हैं और आपको भी जानकारी में होगी कि आज का तारीख में हम इतना चांद तक पहुँच गए हैं, मंगल ग्रह जान तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक भी इसरो का जो रॉकेट लॉन्चिंग होता है वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट भी तिरुपति मंदिर में जाके पहले पूजा चढ़ाते हैं। ये एक मतलब हमारे लिए मतलब विड़म्बना है और एक बहुत दुखदायक है। ये जो उनका जो मन में जो बैठा हुआ जो ये भावना है
मुझे लगता है श्रद्धा और अंधविश्वास में आपको अंतर समझना पड़ेगा। राघवेंद्र आऊंगा मैं आपके पास, राघवेंद्र आपके पास मैं आऊंगा। तो ये जो है मतलब बिल्कुल आऊंगा, ये मतलब शिक्षित समाज में भी ये मतलब ये डीप रूटेड है। प्रबल, थोड़ा सा हम विषय को थोड़ा सा हम अलग चले गए, लेकिन मेरा मेरा निजी मत भी ये है कि श्रद्धा और अंधभक्ति दोनों चीज़ों में एक अंतर है। ये भी रिलीजियस अगर कोई एक कस्टम है या कोई एक इस तरह की चीज़ें हैं और या हमारे हमें कहीं एक एनर्जी मिलती है, एक ऊर्जा सोसाइटी है जो कस्टम को नहीं मानती, ऊर्जा मिलती है हमें, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, और वही विश्वास और अंधविश्वास के बीच में जो एक बहुत पतली लकीर है, शायद हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं इस युग में भी, इसीलिए इस तरह की बहुत सी समस्या है। प्रबल, मुझे लगता है हमें कोई अंधविश्वासी ना कह दे, इस चक्कर में हम अपनी विश्वास वाली चीजों की खोते जा रहे हैं उससे। प्रबल, एक चीज आपसे, आप तो साइंटिस्ट हैं आपसे, लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगा। जैसा शिव अनुराग पटेरिया कह रहे थे, मैं भी बहुत ईमानदारी से इसको स्वीकार कर सकता हूँ कि जो बचपन से सुनते रहे हैं, बहुत तरह की कथाएं हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, मन में ख्याल हो सकता है, अब आपने इतना कुछ पढ़ लिया, आप कमाता हो, उसको झटक देते होंगे आप, लेकिन ऐसे मन में ख्याल कभी आते हैं? या आए हो, युवा अवस्था में आए हो, जिनसे आप भी दो चार हुए हो, बाद में आपने साइंस को देखकर ऐसा सोचा हो कि नहीं नहीं ये तो बात ठीक नहीं। नहीं, देखिए शुरू शुरू में जब हमारे इतना मतलब फीलिंग्स और ये सब जो सोच विचार जब देखा नहीं था, अनुभव कम था, लिमिटेशंस था, तो समझ में बहुत सारी चीज ऐसा देखा है अभी तक भी हमारे समाज में देखेंगे जो काली बिल्ली रास्ता काटते हैं जी, या सर पे कोई छिपकली ठिपक के आप कभी रुक गए उस काली बिल्ली की वजह से? कभी मैंने नहीं रुका है, क्योंकि मैंने शुरू से ही इसका मतलब तत्व जानने की कोशिश किया है। और मैं भी मतलब मैं इसमें मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मेरा जो पेरेंट्स हैं, मैंने पूछा कि भाई ऐसा हो रहा है, बोला नहीं इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो पेरेंट्स हैं उनसे हमेशा मार्गदर्शन सही मिला है ना, अंधेरा में अभी जाना नहीं है, वहाँ पे भूत है। तो छोटी जब मैं थे उसी समय मेरा माता जी ने बताया, दे भूत बोल के कुछ चीज़ होती नहीं है जी। तो मतलब उसी से मतलब बचपन से ही हम वैसे ही मतलब ग्रोन अप हुए हैं जी। तो लेकिन समाज में देखते आए कि ऐसा बिल्ली की रास्ता बहुत अधिक छिपकली के अंशु, आपने बचपन में कभी ऐसी कोई चीजें ऐसा देखा भी है हमारे दोस्तों ने ऐसा? अब मेरा सवाल अंशु गुप्ता से, अंशु गुप्ता आपने भी कभी बचपन में ऐसा कुछ सुना हो, किसी ने बताया उस पेड़ में या उस पीपल के पेड़ में भूत रहता है, या ऐसा है ये है, वो किसी पर महिला पर आ गया था, किसी पुरुष पर चढ़ गया, ऐसी बहुत तरह की चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनते रहे हो कभी? क्या क्या इस परिवार के का क्या योगदान होता है इस तरह की चीज़ों में, वो मैं उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली हम मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स की भी अपब्रिंगिंग उसी तरह से हुई कि तर्कात्मक चीज़ों को आप समझिए, चीज़ों से भागिए नहीं। जैसे कि किसी ने कहा कि उस कोने में भूत है या उस कोने में कोई चीज़ है, वो अंधेरा है, वहाँ मत जाओ, तो वहाँ एक बार जाके ज़रूर देखो कि भूत होता कैसे है। जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए और तर्क चीज़ों के एक साथ में होना चाहिए। तो मेरी मम्मी भी कहती थी, हमारे घर ऐसा था कि पीछे बहुत बड़ा बगीचा था, BHL के क्वार्टर्स थे तो बहुत बड़े बड़े बगीचे थे, तो वहाँ रात को ऐसा होता था कि रात को नहीं जाना है, तो हमारी माँ कहती थी जाओ वहाँ पे चार लड्डू रखे तुम लेके आओ। तो बच्चों को इस तरह से समझाना चाहिए कि भूत नहीं होता है, दूर करना चाहिए। तो ये पेरेंट्स की बिल्कुल जिम्मेदारी होती है, समाज की और हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। जब हम स्कूल में पहुंचते हैं या बचपन में भी होते हैं, तो ऐसे बहुत तरह के दोस्त होते हैं, बहुत तरह के लोगों का साथ होता है, बिल्कुल होता है, बहुत सी कथाएं सुनने मिलती है डेफिनेटली। और हम महिलाओं में तो मैंने जितना मैं महिलाओं के साथ काम कर रही हूँ, महिलाओं के अंदर होता है इस चीज की कि मैं ऐसा करूंगी, काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो थोड़ी देर हमको रुक जाना चाहिए, या छपकली लेफ्ट हैंड साइड से गिरी है तो वो शुभ है और राइट से गिरी है तो अशुभ होने वाला है। तो ऐसी बातें होती हैं, पर मैं छपकली तो दूर है, बाईं आंख फड़क गई और दाईं आंख फड़क गई तक जाते हैं हम। यही है ना कि हम उसको तर्कसंगत नहीं करते कि ये हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है। अगर मेरे मम्मी पापा नहीं बताते तो वो कोने का भूत मेरे हमेशा दिमाग में मन में समाया रहता है। तो हमको शिवनराग जी बुंदेलखंड से आते हैं आप बहुत किस्से सुनने मिलते होंगे, मिले होंगे बचपन में। रिजवान
विद्वान साहब बुंदेलखंड में बहुत से किस्से हैं, कालिंजर के किले को लेकर किस्से हैं, और अगर ये कहा जाए कि बुरहानपुर में जो बहुत बड़ा भव्य किला है जिसे दक्कन का दरवाजा का किला कहते हैं, उस किले के बारे में कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा हैं, आज भी शिवलिंग पर पुष्प आपको सुबह मिलते हैं। लोग इसकी मान्यताओं को स्वीकार करते हैं, कुछ अस्वीकार करते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी बात है कि हम अविश्वास, अंधविश्वास और विश्वास में फ़र्क करना पड़ेगा, आस्था में फ़र्क करना पड़ेगा। अगर हम मानते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है तो आप तर्क करके उसे आप नहीं हटा सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि हो सकता है आपकी मान्यता हो। इस तरह की चीज़ों से समाज का कोई अहित नहीं होता है जी, वो एक विश्वास है जी, और लेकिन बस जैसे ही अंधविश्वास की तरफ बढ़ते हैं वो हमने ये सोच लिया कि इस बच्चे की बलि चढ़ाना है इससे देवी खुश हो जाएगी, बस यही अंधविश्वास है, और इसी तरह की चीज़ों जीप चढ़ाना है इससे देवी खुश हो जाएगी, ये तरह की जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं जाकर फिर उस लकीर को तोड़ देती है। बिल्कुल रिजवान साहब ने बिल्कुल सही कहा, और एक दिक्कत और होती है, एक सिक्स सेंस जिसे कहता हूँ, सिक्स सेंस कई बार आपको चीज़ों को सतर्क करता है, आप उसे माने या ना माने, उसे आप अविश्वास कहें अंधविश्वास कहें, लेकिन मानता हूँ हर व्यक्ति के अंदर एक सिक्स सेंस होता है, महिलाओं में एक सिक्स सेंस की क्षमता दूसरों से कहीं ज़्यादा होती है, वो परख सकती हैं। मुझे लगता है ये अविश्वास नहीं है, कुछ चीज़ें आपको मानना पड़ेगी, और कल वो मेडिकली भी, टेक्निकली भी, साइंटिफिकली भी आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति आप बीमार होता है और दर्द आपको होता है, आपको एहसास होता है, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें तो हैं, कुछ चीज़ों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, उनको, उन भरोसों को, उन आस्थाओं को, उन परंपराओं को अंधविश्वास के नाम पर आप तिरोहित नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों के बीच में हमें एक तार्किकता का वातावरण बनाना पड़ेगा, हमें चैनल्स को भी इस बात की जवाबदारी लेना पड़ेगी कि अगर कट गई है मूछ या पूछ जो भी कटी है इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। दिक्कत यह है कि हम TRP के चक्कर में सारे खेल खेलने लगते हैं, और TRP इतनी खतरनाक हो गई है, TG इतनी खतरनाक हो गई है कि अखबार हो, चैनल हो, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने का बड़ा काम करते हैं। आप निश्चित तौर पर आप बधाई के पात्र हैं कि इसकी तार्किकता पे आप सवाल कर रहे हैं, अभी तक तो सिर्फ चोटी दिखाई जा रही थी, और एक बंदर आ गया, एक गणेश जी आ गए, खटिया चलने लगी, इसके इसमें खबरें होती थी। मुझे लगता है तार्किकता पर हमें सवाल करना चाहिए, और अगर हम तार्किकता पर सवाल करते हैं तो निश्चित तौर पर अंधविश्वासों से दूर हो सकते हैं। बिल्कुल शिवराग पटेल, ये हम मीडिया की भी बहुत बड़ी, माफ़ कीजिएगा रविंद्र जैन, हम मीडिया की बहुत जवाबदारी है, बहुत जिम्मेदारी सबसे अधिक हमारी है, इसलिए कि हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी चीज़ एक कोने से दूसरे कोने तक, देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, और देश ही क्या विदेश तक भी पहुंच जाती है, और पूरी दुनिया में हमारे बारे में क्या सोच बनेगी कि देखिए आज भी हम चोटी में अटके हुए हैं। पटेरिया जी ने तो मूछ पर ही कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को कोई मूछ भी कटाने लग जाए, इस तरह ये हो चुका है, मतलब मैं सिर्फ एक लय के साथ बात नहीं कर रहा था, मूछ भी कटने की घटनाएं हो चुकी हैं, लोग अपने मूछ छुपाए घूमते थे, तो मुझे लगता है कि चीजें बहुत ही गैर जवाबदारीपूर्ण है, उन पे तर्क हमें जरूर करना चाहिए। बिल्कुल रविंद्र भाई, मैं बताना चाहूंगा कि मुरैना जिले में और भिंड जिले में एक साल पहले एक अचानक कुछ घटनाएं हुई थी। घटना ये थी कि आपके घर के बाहर यदि पत्थर है, आपके घर के बाहर लगा हुआ है, तो वहाँ टांके लग जाते थे रात में, और रात में जब टांके लगते थे तो सुबह सुबह बड़ा हड़कंप मचता था जी, और जी। ये लगभग 3-4 महीने चला वहाँ लगातार कि ये टांके कौन लगा जाता है आकर रात में, और सिल, ये कोई सिल तक जाती थी उस दौर में। बाद में साइंस के लोग वहाँ गए, यहाँ वैज्ञानिक लोग वहाँ गए, उन्होंने पता लगाया कि एक कीड़ा ढूंढा, जो कीड़ा उसका उस पर चलता है तो टांके बन जाते हैं। मेरा ये कहना है कि हम भी बहुत विज्ञान के मामले में आगे हैं, ये जो चोटी कटने का मामला है इस मामले में भी कहीं ना कहीं इस तरह का कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसके कारण से ये सब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने, ये जो साइंस में विश्वास करते हैं, राजस्थान सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, उन्होंने कहा है, वो किसी एक कीड़े का उल्लेख उन्होंने भी किया, लेकिन प्रणव राय इसको इंकार कर रहे थे कि नहीं इस तरह का कोई कीड़ा नहीं हो सकता। निश्चित तौर पे यदि वो साइंस के उस पे खरा उतरता है तो वो आना चाहिए, लेकिन ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि यदि मीडिया इस तरह की खबरों को दिखाना बंद कर दे तो ये घटनाओं में एकदम से कमी आ जाएगी। मेरे को ये लग रहा है कि जो घटनाएं हो रही हैं वो 2-4-5 घटनाएं हो सकता हूं, लेकिन बाकी घटनाएं किसी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, या किस तरह की, मुझे लगता है कि आपस में भी ये हो रही हैं कि रात को चुपचाप किसी की चोटी काट दी और सुबह उसको डरा दिया, भयभीत कर दिया, और मैंने पहले भी बताया ये कहीं ना कहीं ऐसे क्षेत्रों में हो रही है जहाँ शिक्षा की कमी है, इसलिए जो चोटी काटने की घटना हो रही है। और दूसरे वाले मामले में मैं तारीफ करूंगा पूरी मीडिया की कि जो वीडियो गेम को लेकर जो बच्चे ने सुसाइड करने का प्रयास किया, मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों ने, मध्य प्रदेश के चैनल ने प्रमुखता से इसे दिखाकर पूरे मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को
जागरूक किया है निश्चित तौर पर। मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र में भी घटना हुई थी, वहां भी पूरे देश की, पूरे देश में मीडिया ने हुई है, लेकिन चूंकि कल की घटना इंदौर की थी, आज जिस तरह मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों ने उसको पहले पेज की लीड बनाया है, और आज मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में चाहे हम दफ्तर में बैठे हों या हम सड़क पे हों कहीं भी हों, इस घटना की चर्चा एक दूसरे से करने से एक जागरूकता तो आई है। और हमारी निश्चित तौर पे आज जैसे हमारे चैनल ने भी यही डिसीजन लिया आज कि हमें इसी विषय पे चर्चा करना है, ताकि जो हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, अनुमान हमारा ये कार्यक्रम आधा घंटे का रहता है, लेकिन आज रिजवान जी ने इसको एक घंटे का इसीलिए किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता इसको फैला मतलब लोगों को जागरूक कर सके के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर हमारी ये भूमिका है, और मैं मीडिया के मित्रों से इतना जरूर अपील करूंगा, और हमें खुद भी इस पर पालन करने का प्रयास करूंगा कि जो चोटी काटने की घटना है उसे हमें मीडिया में ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए, और साइंस के लोगों से निवेदन करना चाहिए कि इसके पीछे के तर्क दें ताकि उसको ढूंढें, जल्द से जल्द इन चीज़ों को स्पष्ट करें, उस मनोविज्ञान को भी सामने लाएं और उसके कारणों को भी, कारण सामने होंगे तो निवारण जल्दी से जल्दी होगा। रविजन, वही निजी सवाल जो मैं प्रणव राज से भी पूछ रहा था, अंशु गुप्ता से भी पूछा, शिवराग जी से पूछना शुरू पूछा वही था, लेकिन फिर चर्चा आगे बढ़ गई। कभी आपको लगा ऐसा कि ये अदृश्य शक्ति, ये सारी चीज़ें, कभी आपने ऐसा महसूस किया? देखिए, घर में परिवार में तमाम सारे टोटके रोज कहे जाते हैं, रिजन भाई हमसे बिल्कुल सख्ती से कहा जाता है कि गुरुवार को आप बाल कटवाने बच जाइए, बिल्ली रास्ता काट गई तो चलिए मत। मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि बिल्ली रास्ता काटी और मैं आगे नहीं बढ़ाऊँ, मैंने आज तक गाड़ी नहीं रोकी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे घर में भी पूछ सकते हैं, मैं अपने बाल केवल गुरुवार को इसलिए कटवाता हूँ कि नाई फ्री मिलता है, बड़े आराम से बाल काटता है। तो ये तमाम सारी ऐसी चीज़ें समाज में हैं, लेकिन इनका कोई तर्क नहीं है, और जिनका तर्क नहीं है वो मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। हमेशा मैंने ये कोशिश की है, मैं जिस परिवेश आप, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है अश्विनी पटेल जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, ये बिल्ली रास्ता काटना या इस तरह की चीज़ें ये क्यों प्रचलित हुआ होगा? कभी लगता है इसको भी, चूंकि आप लोग तार्किक लोग हैं, कसौटी पे कैसे कसेंगे? नहीं, क्यों ऐसा क्यों महसूस हुआ होगा कभी? कई बार अगर रिपीट हो जाए तो फिर वो अंधविश्वास में कायम हो जाती है। हो सकता है एक बार किसी के आगे बिल्ली काटी हो और दुर्घटना हो गई है, तो आपके मन में भय हो जाता है, आपका ड्राइविंग सेंस भी आपके कमजोर हो जाते हैं, इसलिए कई बार लोग रिवर्स कर लेते हैं। कई बार कहते हैं कि अगर बिल्ली काट गई तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपकी मान्यताओं में, आपके इनबिल्ट माइंड में चीज़ें डाल दी जाती हैं। दरअसल जब तक आपके अवचेतन मन में आपकी आस्थाएं, भरोसे, और फिर भरोसे से ऊपर जब अंधविश्वास आपको पैदा हो जाते हैं, जैसे कहते हैं शनिवार को लोहे का सामान नहीं खरीदना है, गुरुवार को या मंगलवार को हमें बाल नहीं कटवाना है, इसका कोई तर्क है या नहीं है, लेकिन आपकी माँ कहती है, आपकी दादी कहती है, आपकी पत्नी कहती है, आपके लोग कहते हैं, आपके धर्मगुरु कहते हैं, तो आप मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मुझे लगता है बिना आस्था से खिलवाड़ किए धीरे धीरे तर्क की कसौटी पर चीज़ों को कसना चाहिए, और अगर तर्क की कसौटी पर चीज़ें खरी नहीं उतरती हैं तो मुझे लगता है उनसे इनकार भी किया जा सकता है। जहाँ तक एक बात आपने बीच में कही थी, कई बार आपको अदृश्य शक्ति लगती है, निश्चित तौर पर लगती है, कई जगहों पर आप जाके प्रफुल्ल होते हैं, और कई स्थानों पर जाके आपको एक अजीब किस्म की सेंसेशन होता है, इसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ तो है जो व्यक्ति को चलाता है, और अविश्वास एक अलग चीज़ है, अंधविश्वास बहुत अलग चीज़ है। बिल्कुल सही है। राघवेंद्र शर्मा, आपके पास आऊँगा मैं, लेकिन उसके पहले अब चूंकि इस अनुभव की बात है तो एक बात मैं ही बताऊँ। एक शूट पर मैं था, कैमरामैन बहुत अच्छा शूट नहीं करवा पा रहा था, और वो एक जगह ऐसी थी कि रेलवे क्रॉसिंग, शेड्यूल की बात है, रेलवे क्रॉसिंग खुला फाटक था, बिना चौकीदार का फाटक, और उसकी वजह से वहाँ कई दुर्घटनाएँ होती थी, और वो उस दुर्घटना को हमने विजुलाइज करने की कोशिश की। हम ये करना चाहते थे, ये बताना चाहते थे, लोगों को अवेयर करने का ही मकसद था, और आधे घंटे से अधिक समय में वहाँ से ट्रेन गुजरती थी, और मेरी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छे विजुअल बन जाए, और अचानक मुझे लगा कि ये मेरा कैमरामैन अच्छे विजुअल नहीं बना पा रहा है, तो मैंने अपने हाथ में कैमरा ले लिया और मैं पटरी के बिल्कुल पास खड़ा हो गया, और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो ट्रेन चली आ रही है। मुझे बहुत, मैं तल्लीन हो गया उस विजुअल को बनाने में, और अचानक अंतिम क्षणों में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे हटा दिया उस जगह से, और मैं वहाँ से नहीं हटता तो मैं आज आप लोगों के सामने ये चर्चा नहीं कर रहा होता। तो ऐसी कई चीज़ें, ये हमारी अपनी व्यक्तिगत, हमारे अंदर जो छठी इंद्रिय जिसकी बात कर रहे हैं, जो छठी इंद्रिय की हम बात कर रहे हैं वो भी हो सकती है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें होती हैं। प्रणव, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूँगा, ये इस तरह के जो भाव आते हैं वो भी क्या चीज़ है? बड़ा एक एक्सपीरियंस का दौर से आप गुजरे हैं, सो नेचुरली ये जो है आपका ये इन बिल्ट माइंड में, आप इन डेप्थ में बैठ गए हैं,
मैं इसी सिलसिले में मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कहूँगा, जब मैं बॉम्बे में पोस्टेड था वहाँ पुराने शहर है, पुराने बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ एक बिल्डिंग का 3 मंजिले में एक ऐसा ही खबर फैल गया कि वहाँ पे जो मूर्ति है वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गया और मूर्ति अपने आप मतलब उसका जो सर है वो हिला रहे हैं कभी कभी, किसी किसी वक्त जब किसी किसी को दिखता है और वो हिल रहा है, और ये प्रैक्टिकली बहुत लोगों ने आके देखा है, कभी कभी किसी किसी का सामने वो हिल रहा है, सबका सामने वो हिल नहीं रहा है, यानी कुछ इशारा कर रहे हैं। बहुत भीड़ हो गया 2 दिन से, पेपर में न्यूज, मतलब हजारों लोग वहाँ पे लाइन लग गए हैं कि यार मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, आप जाके स्वयं देखिए। तो लोग देखने लगा 2 दिन से लगातार भी। तो हम लोग जब नेहरू साइंस सेंटर में थे, हमारे पास भी वो न्यूज़ आए हैं, तो हम लोग बोला चलो हम लोग भी ऐसे ही एक वक्त बन के और उसी में लाइन लगा के हम देखने के लिए जाएंगे। तो हम लोग 2-3 व्यक्ति में गया है, लाइन लगा के देखा 3 मंजिला में बिल्डिंग में चला, बिल्डिंग पुरानी थी बॉम्बे का जैसा होता है। तो हम लोग भी देखा सही में कभी कभी किसी किसी के सामने मुंडी वो जो है उनका सर हिला रहे हैं, जैसा कि लग रहा है कुछ इशारा कर रहे हैं आपका। तो हम लोग ने ऑब्जर्वेशन किया, जो अभी अभी जो आप बता रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए लोगों को, किस लिए ये जो अंधविश्वास अंधश्रद्धा दूर करने के लिए क्या होना चाहिए, उनको तार्किक होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका पीछे क्या तर्क है। हम लोग का मन में भी वही हुआ था और हम लोग ने ऑब्जर्व किया कि जब मुंडी उसका जो सर जो हिल रहा है, उसी समय सामने ही जो बड़ा रास्ता था डॉक्टर ईम मुझे सरोट का जो बड़े रास्ता था, वहाँ पे डबल डगर बस चलती है, और जैसे ही डबल डगर बस वहाँ से क्रॉस कर रही है और उसी समय बिल्डिंग भी पुराने हैं, 3 मंजिला के पहले आपको बताया, हो सकता है कि मतलब ग्राउंड फ्लोर में ऐसा नहीं होगा, कि 3 मंजिला होने का कारण उसका लिवरेज ज्यादा होता है और उसका मतलब सर जो है वो हिल रहा है तभी जब भी वो डबल डगर बस वहाँ से क्रॉस कर। राघवन शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, प्रणव राय हमारे साथ जुड़े, अंशु गुप्ता आप हमारे साथ जुड़ी, शिवनराग पटेरिया आप हमारे साथ जुड़े, और मेरे सहयोगी न्यूज़ वर्ल्ड के स्टेट हेड रविंद्र जैन आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही सवाल है, विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक पतली लकीर है, उसे हमें समझना पड़ेगा, उसका सम्मान भी करना पड़ेगा। हर चीज़ को हम अंधविश्वास नहीं मान सकते और हर चीज़ विश्वास नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता। इस अंतर को जब तक हम नहीं समझेंगे, हम इसी तरह की चीज़ों में उलझे रहेंगे और किसी की कभी चोटी, किसी की कभी मूंछ कटेगी, और जब विज्ञान की के प्रति आसक्ति की पराकाष्ठा होगी तो हमारे बच्चे इस तरह के खेल खेलेंगे, और मैदान में खेलने के बजाय जब वो मोबाइल में खेल खेलने लगेंगे, इंटरनेट पर खेल खेलने लगेंगे, तो समाज का उससे भला नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस तरह के हालात पैदा होंगे, अवसाद भी हो सकते हैं, और इस सब से हमें एकजुटता के साथ मिलकर निपटना होगा। परिवार को परिवार समझना होगा, खेल को खेल समझना होगा, और विश्वास को विश्वास और अंधविश्वास को अंधविश्वास। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।